G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे मेहमानों के लिए भारत मंडपम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिनर पार्टी का आयोजन किया। यहां पहुंचे मेहमानों का एक विशेष मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत किया। इस मंच के बैकग्राउंड में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को दर्शाया गया है। साथ ही G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य को भी दर्शाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। रंगीन रोशनी से जगमगा रहा भारत मंडपम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत मंडपम में G20 नेताओं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए औपचारिक रात्रि भोज की मेजबानी कर रही है। नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र तथा इसके हरे भरे लॉन रात में रंगीन रोशनी से जगमगाती नजर आए और इसके फव्वारों तथा और अत्याधुनिक इमारत के सामने रखी नटराज की मूर्ति ने आयोजन स्थल पर भव्यता को और निखार दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस भारतीय पारंपरिक पोशाक सलवार कुर्ता पहने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा और उनकी पत्नी ऋतु बंगा तथा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल रहे। G20 शिखर सम्मेलन शनिवार रात भारत मंडपम में शुरू हुआ और ये रविवार को संपन्न होगा। फॉक्सटेल बाजरा पत्ती के कुरकुरे टुकड़े के ऊपर योगर्ट का गोला और मसालेदार चटनी ग्लेज्ड फॉरेस्ट मशरूम के साथ परोसा गया कटहल का गैलेट, बाजरे के छोटे क्रिप्स और करी पत्ता के साथ पकाए हुए केरल के लाल चावल, मुंबई पाव प्याज के बीच के स्वाद वाला मुलायम बन बकर खाने, इलायची के स्वाद वाली मीठी फ्लैट ब्रेड, इलायची के सुगंध वाला बार्नयार्ड बाजरे का हलवा, अंजीर आड़ू का मिश्रण और अंबे मोहर चावल के क्रिप्स, पेय पदार्थ कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफी और दार्जिलिंग चाय, पान के स्वाद वाली चॉकलेट की पत्तियां, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान इस परियोजना की घोषणा की। सूत्रों के मुताबिक शिपिंग और रेलवे लिंक सहित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अपनी तरह का पहला आर्थिक गलियारा भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को शामिल करते हुए सहयोग, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर एक ऐतिहासिक पहल होगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, साझा आकांक्षाओं और सपनों की यात्रा पर चलते हुए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का प्रतीक बनने की क्षमता रखता है। समय के साथ यह गलियारा मानवीय प्रयास और एकता का प्रतीक बनकर उभरे। यह परियोजना पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यानी PGII नामक पहल का हिस्सा है।